हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्ट ईज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का टॉपिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सो इंट्रोडक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जो है हमारा पहले इस एक्ट में नहीं था, 2018 में अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट में उसे इंसर्ट किया गया। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक कमेटी बनाई विच वॉज लेड बाय मिस्टर आनंद देसाई टू एग्जामिन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसमें सजेशंस के लिए उन्होंने कहा। उस कमेटी ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बाद सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस सेक्शन 20 वॉज इंसर्टेड इन द एक्ट। सेक्शन 20 के साथ सेक्शन 20A, सेक्शन 20B एंड सेक्शन 20C भी एड हुए। येस, एंड दिस वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाई एक्ट ऑफ 2018 सेक्शन 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जो है ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, द पार्टी जिसने लॉस सफ़र किया है वो एंटाइटल्ड है थर्ड पार्टी से या उसकी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाने के लिए या फिर एक्सपेंसेस और कॉस्ट रिकवर करने के लिए, इंक्लूडिंग द कंपनसेशन। इसको हम इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। दूसरा, इन सेक्शन 20 इट इज़ गिवन द ऑपोजिट पार्टी टू सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टी इन ब्रीच and not entitled to specific performance of breach after giving notice। जब पार्टी ने नोटिस दे दिया उसके बाद is not entitled to specific performance। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एंड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का राइट ही रह जाएगा। जैसा कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के टाइम में भी पढ़ा था कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराते हैं तो कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, तो उसमें सबसे पहला क्लॉज यही था जब किसी को सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल जाए। नेक्स्ट इज नथिंग इन सेक्शन 20 शैल प्रिवेंट टू क्लेम रिलीफ द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेमिंग कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेक्शन 20A। 20A भी सेक्शन 20 जैसा ही इंसर्ट हुआ 2018 में। उसके बाद ये प्रोविजन बनाया गया कि कोर्ट शैल नॉट ग्रांट इंजंक्शन इन एनी सूट वेयर इट अपीयर्स टू इट दैट ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज हिंड्रेंस और डिले इन द कॉन्टिनेंस और कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जहाँ पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसके कंप्लीशन के लिए डिले हो सकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तब वहाँ पर इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मीनिंग एक्सप्लेनेशन में गिवन है। इट मीन्स द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसेक्टर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कभी भी बाय नोटिफिकेशन जो है स्केड्यूल को अमेंड कर सकती है। इसके बाद हमारा एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, हरी राम नगर एंड अदर्स वर्सेस DDA एंड अदर्स, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ इन एन अटेम्प्ट टू टेक अवे द सूट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सूट हैज कंटेंडेड दैट द एक्विजिशन एंड द यूज ऑफ लैंड इज नॉट फॉर हॉस्पिटल बट फॉर अ रोड, बट द सूट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सूट। इसमें कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सूट्स क्या होते हैं उसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट इज हमारा सेक्शन 20B एंड सेक्शन 20C। सेक्शन 20B एंड सेक्शन 20C जो दोनों हैं अमेंडेड हुए एक्ट ऑफ 2018 हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिविल कोर्ट को उस एरिया किसी एरिया की सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड टू डिस्पोज ऑफ द सूट्स। 12 महीने के अंदर अंदर सूट्स को डिस्पोज ऑफ करना है और ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ से। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एंड इट्स प्रोविजंस।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजंक्शंस गिवन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. फॉर दैट स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जस्टिस.